अब आ रही है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब आ रही है आवाज। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ऐड हो जाओ, देखा गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ। देखिएगा जरा, कल अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के एग्जांपल पढ़ रहे थे। अपन ने आइसोमेरिज्म के तीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के तीन टाइप अपन पढ़ चुके हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब अपन तीनों के एक साथ मिक्स में क्या कर रहे थे बेटा, एग्जाम्पल कर रहे थे। तीनों के एक साथ मिक्स में एग्जाम्पल कर रहे थे। एक बच्चा टेरिथेलिक एसिड के स्ट्रक्चर पूछ रहा है बेटा, 1,4-डाईकार्बो 1,4 सॉरी बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। देखिएगा जरा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट कल अपन बात कर रहे थे एमाइन की। अरे वो कर लोगे ना, कल मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था C5H12O के टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल्स जो होते हैं वो 8 बन जाएंगे। 8 बना लिए क्या? अरे C5H12O के टोटल पॉसिबल एल्कोहल जो थे 8 बन रहे थे। बना लोगे? अरे बना लोगे क्या? नेक्स्ट अपन एमाइन पे चल रहे थे। नेक्स्ट मैं एमाइन को वापस कर देती हूँ। देखिएगा जरा, वो क्या कह रहा था कि अगर आपके पास आर एच कोई एल्केन है, अगर आप एल्केन से 1H रिमूव करके NH2 लगाते हो तो RNH2 का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं एल्केन एमाइन। देखिएगा जरा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आपने क्या किया, देखो एक एच रिप्लेस करके 2H जोड़े हैं, एक नाइट्रोजन ऐड किया। ओवरऑल आपने NH को +1 किया है, प्लस किया सॉरी NH को ऐड किया है। एक्स्ट्रा में एक हाइड्रोजन ऐड किया है तो CnH2n+2 की बजाय क्या हो जाएगा, +3। एक नाइट्रोजन जोड़ा है तो +3N। ये क्या हो जाएगा, एल्केनेमाइन का फॉर्मूला। जैसे आपने एल्कोहल का फॉर्मूला पढ़ा CnH2n+2O, वैसे एल्केनेमाइन का क्या हो जाएगा, CnH2n+3N। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कार्बन की एल्केन बनाऊं, ये मीथेन है, अगर आपने H हटा के NH2 बनाया तो यहां पर बन जाएगा CH3NH2 मैथेनेमीन। ऐसे ही अपन टोटल पॉसिबल एल्केन बनाएंगे। यहां से बेटा नीट में कई बार पूछ रहा है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये मैंने फॉर्मूला बताया। अब मैं एक साथ 5 कार्बन तक या 6 कार्बन तक एल्केन बना के बताऊंगी। अरे क्या रब कर दूं मैं इसको, ये तो कल भी अपन ने पढ़ लिया था, एक बार रिकॉल किया है। अब देखिएगा जरा, यहां पर अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ कार्बन, यहां पर अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ कार्बन, यहां पर अपन पढ़ेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर अपन पढ़ेंगे टोटल पॉसिबल 1 डिग्री एमीन, यहां पर 2 डिग्री एमीन, यहां पर 3 डिग्री एमीन और यहां पर अपन पढ़ेंगे टोटल एमाइंस, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टोटल एमाइंस, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टोटल एमाइंस। यदि बेटा आपके पास एक कार्बन होता है, अगर आपके पास एक कार्बन होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH5N। केवल 1 डिग्री एल्कीन पॉसिबल होगी CH3NH2, केवल 1 डिग्री एल्कीन पॉसिबल होगी CH3NH2, 2 डिग्री 0 3 डिग्री 0 और टोटल 1 डिग्री सॉरी टोटल एमाइंस कितनी आ जाती है बेटा, 1 आ जाती है। ये थोड़ा सा फास्ट ले लेती हूँ क्योंकि इजी है। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 2 है, अगर 2 कार्बन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6 की बजाय क्या हो जाएगा, H7। अरे अभी बताया CnH2n+3N होता है, यानी जितने हाइड्रोजन होते हैं उसमें 3 ऐड करना है, ना कि
दो ऐड करना, तो 3 2 6 और 1 7। देखो इस केस में एक 1 डिग्री एमाइन बन जाएगी। 1 डिग्री एमाइन कितनी बन जाएगी? एक बन जाएगी, जिसे एथाइल एमाइन कहते हैं। क्या इस केस में 2 डिग्री एमाइन भी बन जाएगी? अरे क्या इस केस में, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले लेना, एक मिनट, अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले लेना। टोटल एमाइंस को थोड़ा सा इधर इसमें स्पेस कम ले लो। यहां पे अपन लेते हैं 3 डिग्री, यहां पे अपन लेंगे 2 डिग्री, और ये वाला स्पेस जो है इसको कम कर दो। यहां पर अपन लेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में अपने को स्पेस कम चाहिएगा। एक बार मैं वापस से लिख रही हूँ पूरा, क्योंकि अपने को स्पेस ज्यादा चाहिएगा। आगे अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री एमाइन, और यहाँ पे टोटल एमाइंस में अपने को स्पेस बहुत ही कम चाहिएगा। एक बार मैं वापस लिख देती हूँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो ये CH5N, ये हो जाएगा CH3NH2 मेथाइल एमीन, 2 डिग्री 0, 3 डिग्री 0, ये कितना हो जाएगा? 1। अगर आपके पास 2 है तो ये फॉर्मूला मैंने बताया C2H7N। देखना बेटा, इसकी 1 डिग्री एल्केन एमाइन एक ही पॉसिबल हो जाएगा, CH3CH2NH2 एथाइल एमाइन। क्या इसकी एक 2 डिग्री भी पॉसिबल हो जाएगी? अरे क्या इसकी एक 2 डिग्री पॉसिबल हो जाएगी? NH के दोनों तरफ कितना लगा दो, एक एक कार्बन लगा दो। क्या इसकी एक 2 डिग्री पॉसिबल हो जाएगी? 3 डिग्री अब भी कितनी रहेगी? 0। और टोटल पॉसिबल एमाइंस कितनी हो जाएंगी? 2। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन जो है ये आपस में क्या हो जाएंगी? अरे ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन जो है ये आपस में क्या हो जाएंगी? FGI ऑफ ईच अदर। अरे एमाइन को एक एमाइन, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री, अगर एमाइन की डिग्री डिफरेंट आ जाती है तो उसको किसमें कंसिडर किया गया है? डिफरेंट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में। अब देखिएगा जरा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन यहीं से दिया था, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उस एमाइन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, उस एल्केमाइन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उस एल्केमाइन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, बताइएगा जरा। C3H8N होगा। निकिता गलत बोल रहे हो आप बेटा, वापिस लगाओ। CnH2n प्लस 3n होता है CnH2n, अभी फॉर्मूला बताया मैंने एल्केमाइन का, फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 3n। C3H9N, अरे देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 2 6 प्लस 3 9 होते हैं ना, तो C3H8 होगा कि H9 होगा? H9N होगा। अरे निकिता आप गलत बोल रहे हो, H8 नहीं होगा बेटा, H क्या होगा? 9। C3H9N। अब देखिएगा जरा, इसके अपन सबसे पहले 1 डिग्री बनाते हैं। मैंने कहा था कि 1 डिग्री का मतलब आपके पास NH2 ग्रुप होता है और ये एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। और अगर आपके पास कोई मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए, अगर आपके पास कोई मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसके उतने ही पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे जितने उसके एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो 1 डिग्री के एल्काइल ग्रुप कितने होते हैं? एक N प्रोपाइल होता है, एक कॉर्नर वाला H हटा के आप NH2 लगा दो, और एक बार आप क्या लगा दो, बीच वाला H हटा के क्या लगा दो, NH2 लगा दो। ये क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल एमाइन। ये क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल एमाइन। ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एमाइन। क्या बेटा 2 डिग्री कितनी पॉसिबल है, सॉरी 1 डिग्री कितनी पॉसिबल है इस केस में? जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 1 डिग्री एमाइन पॉसिबल जो है वो कितनी है? 2 है। देख लो, यहां पर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यहां पर भी पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है। NH2 ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम है, NH2 ग्रुप की पोजिशन डिफरेंट आ गई, तो बोथ आर पीआई ऑफ ईच अदर। अरे बोथ आर पीआई ऑफ ईच अदर, पोजिशन आइसोमर्स हैं दोनों। अगर आप 2 डिग्री की बात करते हो, अगर आप 2 डिग्री की बात करते हो, अगर आपने NH लिया, अगर आपने इधर एक कार्बन बना दिया तो क्या इधर 2 कार्बन बचेंगे C2H5? फिर आप इधर 2 लोगे तो इधर कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी इसकी 2 डिग्री एमाइन कितनी पॉसिबल है? 1 ही पॉसिबल है। और अगर आप इसकी 3 डिग्री एमाइन की बात करोगे तो ये यहां पर CH3 लगा दो, यहां पे CH3, तीनों एक एक कार्बन की फॉर्म में जोड़ दो, तो ये ट्राई मिथाइल एमाइन, ये इथाइल मिथाइल एमाइन। यानी 2 डिग्री एमाइन एक पॉसिबल है, 3 डिग्री एमाइन एक पॉसिबल है।
टू डिग्री थ्री डिग्री आपस में एफसीआई ऑफ ईच अदर, वन डिग्री टू डिग्री, दोनों वन डिग्री टू डिग्री के साथ और थ्री डिग्री के साथ कौन सी सीओ करेगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो टोटल कितनी एमाइन पॉसिबल हो जाएंगी, चार। टोटल एमाइंस पॉसिबल कितनी हो जाएंगी, चार। टोटल वन डिग्री पूछे तीन कार्बन के केस में तो दो, टू डिग्री पूछे तो एक और थ्री डिग्री पूछे तो भी एक, यानी टोटल पॉसिबल एमाइन कितनी हो जाएंगी, चार। अरे मेरी बात समझ आई? हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर भी बताया कि चार हो जाएंगी, कल मैंने यही क्वेश्चन होमवर्क के लिए गया था, कुछ बच्चों ने आंसर भी बताया कि कितनी हो जाएंगी, चार। क्या मैं नेक्स्ट चलूं? अरे नेक्स्ट चलें, हाँ नेक्स्ट चलते हैं अपन। जब आपके पास चार कार्बन की एमाइन हो, जब आपके पास चार कार्बन की एमाइन हो तो वो पॉसिबल, पहले आप मोलिकुलर फॉर्मूला बताइएगा। अगर आपके पास चार कार्बन की एमाइन हो, ये छाप लिया होगा आपने, अगर आपके पास चार कार्बन की एमाइन हो तो मुझे फॉर्मूला बताइएगा पहले। अगर आपके पास चार कार्बन की एमाइन हो तो फॉर्मूला बताइएगा पहले। अगर नंबर ऑफ कार्बन फोर हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने हो, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन फोर हो तो पहले मुझे फॉर्मूला बताइएगा जरा। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन फोर हो तो आप पहले मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला बताइएगा, इसको मैं जस्ट पास में लिख रही हूँ, मोलिकुलर फॉर्मूला बताइएगा, C4H11N, CnH2n+2, हाँ CnH2n+2, सॉरी CnH2n+3n लगाइएगा जरा, CnH2n+3n लगाइएगा। जब आप CnH2n+3n लगाते हो तो नंबर ऑफ कार्बन फोर, डबल करो कितना हो जाएगा, आठ, तीन ऐड करो कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 11, C4H11N हो जाएगा। क्या कोई मुझे बताएगा, जब चार कार्बन की एल्केमाइन हो, जब आपका आपके पास चार कार्बन की एल्केमाइन हो, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है आठ, बेटा पहले बताओ पॉसिबल वन डिग्री एमाइन, हाँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है आठ, पहले बताओ पॉसिबल वन डिग्री एमाइन, पॉसिबल वन डिग्री एमाइन, हाँ वन डिग्री एमाइन का आंसर दिया है बच्चों ने चार। देखना जरा, क्या वन डिग्री का मतलब एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है NH2? अरे वन डिग्री का मतलब NH2 क्या है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो चार कार्बन के चार एल्काइल ग्रुप होते हैं, CH3CH2CH2, एक एन ब्यूटाइल होता है तो एन ब्यूटाइल पे NH2 लगा दिया वेलेंसी फ्री करके, तो ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल एमाइन, ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल एमाइन या ब्यूटेन वन एमाइन। एक बार आपने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन फोर लेते हुए सेकेंडरी पे लगा दिया, अगर चार कार्बन की चेन पे लेते हुए सेकेंडरी पे लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन। यदि आपने क्या लगा दिया, CH3CH आइसो ब्यूटेन ले लिया और आइसो के वन डिग्री से वैलेंसी फ्री होती है तो आइसो ब्यूटाइल लगता है, अगर एमाइन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल एमाइन। और एक लास्ट आपने क्या बना दिया, यदि थ्री डिग्री से वैलेंसी फ्री है, यदि थ्री डिग्री से वैलेंसी फ्री है, यदि ये थोड़ा सा मैं इधर बना देती हूँ भाई, ये आपने पहली बनाई वन डिग्री, ये आपने दूसरी बनाई वन डिग्री, ये तीसरी, मैं चौथी वन डिग्री एमाइन जो है यहां बना देती हूँ। एक आपने टर्शियरी से वैलेंसी फ्री की, अगर आपने थ्री डिग्री से वैलेंसी फ्री की तो इसे बोल देते हैं बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल एमाइन, इसे क्या बोल देते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल एमाइन। यानी टोटल वन डिग्री एमाइन चार कार्बन के केस में कितनी होंगी, चार, टोटल वन डिग्री। और याद रखना वन डिग्री के केस में ये एज ए मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, वन डिग्री के केस में ये एज ए मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, और अगर ये एज ए मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, अगर ये एज ए मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, जब भी कहीं पे मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उस केस में उस जितने कार्बन, उस चेन के जितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल होते हैं उतने ही उसके क्या बन जाते हैं, आइसोमर्स बन जाते हैं। अब कोई मुझे सेकेंडरी एमाइन बताएगा कितनी बनेगी, अब कोई मुझे सेकेंडरी एमाइन बताएगा कितनी बनेगी, अरे कोई मुझे अब सेकेंडरी एमाइन बताएगा कितनी बनेगी, अब कोई मुझे सेकेंडरी एमाइन बताएगा कितनी बनेगी, हाँ कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सेकेंडरी एमाइन बनेगी तीन, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है कि सेकेंडरी एमाइन जो है वो कितनी बनेगी, तीन। हाँ देखिएगा जरा, सेकेंडरी एमाइन बनाने का तरीका देखिएगा, पर आपके पास NH का मतलब सेकेंडरी एमाइन होगी, अगर मैं एक बार इधर एक कार्बन लगा दूं तो इधर कितने बचे,
अरे एक बार मैंने इधर एक लगा दिया, इसका मतलब इधर तीन कार्बन बच गया, C3H7। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 7, 3, 10, 11 हाइड्रोजन होगी। अरे तीन कार्बन के एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला C3H7 ही तो होता है, C3H8 तीन कार्बन की एल्केन होती है, तो उसका एल्काइल ग्रुप बनाओगे यानी 1H रिमूव फ्रॉम एल्केन, क्या बनता है एल्काइल ग्रुप। तो तीन कार्बन इधर बच गए तो C3H7। क्या मुझे एक बात बताना, अगर तीन कार्बन से इधर तीन कार्बन को इधर एक साइड एक कार्बन फिक्स कर दिया, क्या तीन को लगाने के तरीके दो होते? अरे यहां पर तीन को बनाने के तरीके दो होंगे, क्या मैं इधर दो बना दूं, इधर दो लिख दूं? अब मैं सीधा ट्रिक बताऊंगी, ये ट्रिक समझ लेना। इधर एक लगाया तो इधर तीन बचे, तीन का मतलब इधर तीन से कितने बन सकते हैं, अरे तीन से कितने बन सकते हैं, दो, क्योंकि तीन को लगाने के तरीके दो है। देखो आप कहोगे एक बार मैं बता देती हूँ तीन को कैसे दो में लगाते हैं, एक बार तीन को स्टेट चेन में लगा दो, एक बार स्टेट चेन का मतलब एक बार एन प्रोपाइल लगा दो, और एक बार तीन को कैसे लगा दो बेटा, आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में, एक बार तीन को ये एन प्रोपाइल ये आइसोप्रोपाइल, यानी तीन है तो दो बन गए। एक बार क्या कर लो, एक तरफ दो कार्बन ले लो तो दूसरी तरफ भी कितने बचे, अरे दो बचे, इधर भी दो और इधर भी दो, दोनों तरफ कितने बचे, दो बचे, और अगर दो दो है तो इसका एक ही बनेगा एथाइल एथाइल एक ही बनेगा, तो एक ये बन गया, तो टोटल 3 डिग्री एमाइन पॉसिबल कितनी हो गई, 3, 1 डिग्री 4 है, 2 डिग्री कितनी होगी, 3, 2 डिग्री कितनी होगी, 3, 3 डिग्री कितनी होगी बेटा, अरे 3 डिग्री एमाइन कितनी होंगी, अगर आपसे 3 डिग्री पूछे तो कितनी होंगी, अगर आपसे 3 डिग्री पूछे तो कितनी होंगी, अगर आपसे 3 डिग्री पूछे तो कितनी होगी, एक। हाँ देखिएगा जरा, अगर आप 3 डिग्री बनाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले इधर आपने एक ले लिया, दूसरी तरफ भी एक ले लिया, अब बचे कितने, दो, C2H5, दो से क्या एक ही एल्काइल ग्रुप बनेगा, तो एक तरफ एक 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 तरफ दो, अब कार्बन ही पूरे हो गए तो 3 डिग्री की कितनी बनेगी, एक ही बनेगी, 4, 3, 7 और 1, टोटल पॉसिबल एमाइन कितनी हो जाएंगी, 8, टोटल पॉसिबल एमाइन कितनी हो जाएंगी, 1, अगर वो टोटल 1 डिग्री पूछेगा तो कितनी हो जाएंगी, 4, टोटल 2 डिग्री पूछेगा तो 3, और टोटल 3 डिग्री पूछेगा तो 1, 1 डिग्री सारी की सारी 1 डिग्री, चारों की चारी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ HCIO ऑफ अदर, 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ FGI ऑफ ईच अदर, और 1 डिग्री 3 डिग्री के साथ FGI ऑफ ईच अदर। क्या मुझे जो चार, क्या आप में से मुझे कोई क्वेश्चन बताएगा, क्या ये जो चार आइसोमर्स हैं, क्या आप ये बता सकते हो एन ब्यूटाइल एमाइन और सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, एन ब्यूटाइल एमाइन और सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, अरे एन ब्यूटाइल एमाइन और सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, एन ब्यूटाइल एमाइन में और सेकेंडरी में, हाँ पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 और 4 हैं, NH2 की पोजीशन 1 और NH2 की पोजीशन 2 आ गई, तो बोथ आर PI ऑफ ईच अदर। क्या थर्ड और फोर्थ पूछे, आइसोब्यूटाइल एमाइन और टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन कौन से आइसोमर्स है, आइसोब्यूटाइल एमाइन और टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन, देखो आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल में फिर NH2 की पोजीशन डिफरेंट आ गई, तो बोथ ऑफ PI ऑफ ईच अदर, लेकिन दोनों वाले एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल के साथ CI शो करेंगे, और एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल के साथ भी क्या शो करेंगे, CI। क्या बेटा यहां तक कर लोगे, अरे आगे चलू, अरे इतनी बात सबको समझ आई क्या, अरे यहां तक सबको डन है क्या, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट मुझे बताइएगा जरा, अगर आपके पास लास्ट अपन कर रहे हैं, अगर आपके पास 5 कार्बन की एमाइन आ जाए, अब सीधा कर लो, अगर आपके पास 5 कार्बन की एमाइन आ जाए, एमाइन में नंबर ऑफ कार्बन 5 है, एमाइन में नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, अगर एमाइन में एक बच्चे ने बताया C5H13N, देखो नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो C5 हाइड्रो कार्बन डबल हाइड्रोजन डबल करो, 5 2 10 तीन ऐड करो 13, तो क्या हो जाएगा C5H13N, वेरी गुड बेटा। क्या सबसे पहले इसकी पॉसिबल 1 डिग्री एमाइन बनाए, सबसे पहले टोटल पॉसिबल 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं, सबसे पहले टोटल पॉसिबल 1 डिग्री एमाइन, क्या 5 कार्बन के एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या बेटा, ये ऐसे ही होगा,
NH2 और इधर क्या बचेगा C5 और क्या बचेगा अरे C5 H11 बचेगा। अरे तो क्या पांच कार्बन के एल्काइल ग्रुप 8 होते हैं तो ये कितनी बन जाएंगी 8 बन जाएंगे। अरे क्या पांच कार्बन के एल्काइल ग्रुप 8 होते हैं तो 1 डिग्री एमाइन कितनी बन जाएंगी 8। अरे पांच कार्बन के टोटल एल्काइल ग्रुप कितने होते हैं 8 तो ये 1 डिग्री एमाइन कितनी बन जाएंगी 8 बन जाएंगी। ये किसी को बताऊं क्या 1 डिग्री 8 कैसे बनेंगी। अरे ये किसी को बनाना बताना पड़ेगा क्या 8 कैसे बनेगी। कोई पूछ रहा है या बना लोगे। अरे कोई पूछ रहा है या बना लोगे 8। अरे कोई पूछ रहा है क्या 8 कैसे बनेंगी। हाँ अगर वो यहां से आपसे पूछे टोटल पॉसिबल 2 डिग्री एमाइन, टोटल पॉसिबल 2 डिग्री एमाइन, यदि आपको टोटल पॉसिबल सेकेंडरी एमाइन बनानी है तो क्या करोगे NH लोगे। एक बार इधर आपने एक कार्बन ले लिया CH3 की फॉर्म में तो इधर क्या हो जाएगा C4H9। क्या C4H9 चार कार्बन को लगाने के कितने तरीके हैं। चार कार्बन को लगाने के चार तरीके हैं। चार कार्बन को आप चार तरीके से ऐड कर सकते हो N ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल अभी बनाया था। अरे चार कार्बन के जितने अल्काइल ग्रुप होते हैं उतने ही लगाने के तरीके होते हैं। यहां से अपन इसको एक इधर लगाने के लूप बाद में चार कार्बन को एन ब्यूटाइल की फॉर्म में लगा सकते हो आइसोब्यूटाइल की फॉर्म में लगा सकते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल की फॉर्म में लगा सकते हो और टर्शियरी ब्यूटाइल की फॉर्म में लगा सकते हो। एक बार आपने एक साइड कितने ले लिए 2 तो दूसरी साइड कितने बच के 3 बच के। एक साइड 2 ले लिए दूसरी साइड 3 बचे तो 3 को लगाने के फिर तरीके कितने हो जाएंगे 2। कैसे एक एन आइसो एक एन प्रोपाइल एक क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। क्या अब मैं इधर 3 लेके इधर 2 लूं बात तो एक ही है। अरे अब मैं इधर 3 ले लूं इधर 2 लूं बात तो एक ही है। फिर मैं इधर 4 लूं इधर 1 लूं बात तो एक ही है। तो टोटल पॉसिबल 2 डिग्री एमाइन कितनी हो जाएंगी 6। टोटल पॉसिबल 2 डिग्री एमाइन कितनी हो जाएंगी 6। अब अपन चलते हैं टोटल पॉसिबल 3 डिग्री एमाइन। अब अपन चलते हैं टोटल पॉसिबल 3 डिग्री एमाइन। अगर आप टोटल पॉसिबल 3 डिग्री एमाइन पे चलते हो तो सबसे पहले इधर एक कार्बन लिया इधर भी कितना लिया 1 लिया। टोटल आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो 2 ले लिए तो इधर कितने बच के बेटा 3 बच के C3H7। अगर इधर 3 बच के तो 3 को कितने तरीके से लगा सकते हो 2 से एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। अब एक बार क्या करो एक साइड कितने ले लो 2 C2H5 दूसरी साइड कितना ले लो 1 और दूसरी साइड फिर बच कितने जाएंगे 2। पहले इधर 1 तो 3 फिर 2 1 2 तो इसका कितना बनेगा 1 ही बनेगा। तो टोटल 3 डिग्री एमाइन पॉसिबल कितनी हो जाएंगी 3। अरे आई क्या बात समझ में टोटल कितने हो जाएंगे अरे 17 कैसे हो रहे हैं 17 हो रहे हैं कि 8 और 6 कितने हो जाते हैं 14 और 14 और 3 कितने हो जाते हैं 15 16 17। हाँ टोटल पॉसिबल इस केस में अगर टोटल पॉसिबल एमाइन पूछे टोटल पॉसिबल एमाइन पूछे तो कितनी हो जाएंगी बेटा 17 हो जाएंगी। और 1 डिग्री पूछे तो बेटा 8 हो जाएंगे 2 डिग्री पूछे तो बेटा 6 हो जाएंगे और 3 डिग्री पूछे तो बेटा कितनी हो जाएंगी 3। टोटल 17 हो जाएंगे। हाँ आर्ट्स वाले बच्चे भी बता रहे हैं 17 हो जाएंगे वेरी गुड बेटा। तो टोटल पॉसिबल एमाइन कितने हो जाएंगे 17। अरे यहां तक बात समझ आई क्या। अरे टोटल पॉसिबल एमाइन 17 हो जाएंगे यहां तक कर लोगे। नेक्स्ट चलूं अरे नेक्स्ट कंटिन्यू करें। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट अपन चलते हैं ये फिर बता दो ये 8 बनाना आ गया कि मैं बताऊं। अरे ये 8 आ गया कि मैं बताऊं। वैसे आपको आ जाना चाहिए क्योंकि एक दो आर्ट्स के बच्चे जुड़े हुए मेरे कोई जानकार है जो बोल रहे हैं आ गया मैम तो साइंस वालों को तो आ ही जाना चाहिए। अरे रब कर दूं। हाँ अब देखिएगा जरा अपन 6 कार्बन के लिए पहले मुझे एमाइन का फॉर्मूला बताओ और जो मैं जेई का क्वेश्चन आया हुआ है वो करेंगे। अब अपन इसी को इसीलिए करवाया था इस जेई के क्वेश्चन को अब वो आसानी से हो जाएगा। देखिएगा जरा आप मुझे पहले 6 कार्बन के लिए एमाइन का फॉर्मूला बताइएगा। उसने देखना क्या पूछा था पहले मुझे 6 कार्बन के लिए एमाइन का फॉर्मूला बताइए बेटा। हाँ जब नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो डबल करके 3 ऐड कर दो
सिक्स टू जेड 12 है और 15 C6H15। वो कह रहा है आपके पास एक 6 कार्बन की एमाइन है C6H15N, 6 कार्बन की एक एमाइन है C6H15N। तो वो कह रहा है आपसे, उसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिग्री एमाइन, उसने पूछा ही नहीं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। पहले आप 3 डिग्री बताइएगा और उसके बाद में 2 डिग्री। वो 1 डिग्री नहीं पूछ रहा, वो 1 डिग्री नहीं पूछ रहा, वो केवल उसने पूछा था, एक बार उसने एग्जाम में पूछा था कि जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 6 है, एक बार उसने एग्जाम में पूछा था कि जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो टोटल पॉसिबल 3 डिग्री है एमाइन। एक बार उसने पूछा था कि जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो टोटल पॉसिबल 2 डिग्री है एमाइन। हाँ, अपन 3 डिग्री निकाल, पहले 2 डिग्री देखेंगे बाद में 3 डिग्री। पहले मुझे 1 डिग्री बता दो, पहले मुझे 1 डिग्री बता दो, पहले मुझे 1 डिग्री बता दो, अरे पहले मुझे 1 डिग्री बता दो कितने बनेंगे। क्या 6 कार्बन के केस में टोटल अल्काइल ग्रुप कितने होते हैं? एक बच्चे ने आंसर दे दिया 17। वेरी गुड बेटा, हाँ वेरी गुड, कितने बनेंगे 17। हाँ, 1 डिग्री एमाइन तो सीधा याद रखो कितने बनेंगे 17। 2 डिग्री और 3 डिग्री देखना बेटा, यहाँ पर बनाते हैं एक बार अपन। 2 डिग्री बनाते हैं, सबसे पहले जब नंबर ऑफ कार्बन 6 है, जब नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो टोटल पॉसिबल 2 डिग्री एमाइन बनाते हैं। सबसे पहले पॉसिबल सेकेंडरी एमाइन बनाते हैं। क्या मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपके पास NH ग्रुप है, अगर मैं इधर एक ले लूं तो क्या इधर 5 बचेंगे C5H11? क्या 5 बचेंगे? क्या 5 के, मैं सीधी ट्रिक बताइए अभी, 5 के अल्काइल ग्रुप कितने होते हैं 8। तो इस केस में अगर आपने इधर एक कार्बन लिया इधर 5 छोड़े तो इस केस में कितने बन जाएंगे 8 बन जाएंगे। अरे 8 बन जाएंगे, अरे यार अगर इधर आपने एक लिया और इधर आपने 5 छोड़े तो 8 बन जाएंगे, अरे 8 बन जाएंगे। अब देखो अगर आपने क्या किया, इधर 2 ले लिए, अब मैं सीधी ट्रिक बता रही हूं, अगर इधर 4 छोड़ दिए C4H9, क्या 4 को लगाने के तरीके, देखो इधर 5 के 8 कैसे बनेंगे, एन पेंटेन के 3 बन जाएंगे, आइसो पेंटेन के 4 बन जाएंगे, नियो पेंटेन से 1, टोटल 8 बन जाएंगे। क्या अभी बताया है कि 4 कार्बन के 4, एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, तो कितने बन जाएंगे 4। फिर वो कहता है यदि आपने NH के इधर 3 ले लिए C3H7, तो इधर भी कितने ले लो 3 ले लो। क्या मुझे एक बात बताइएगा, तुम इस केस में ऐसा करोगे क्या, इधर 3 से 2 बन जाएंगे, इधर 3 से 2 बन जाएंगे? वो कतई नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। देखो 8 4 12 तो बन चुके हैं, अब इधर 1 तो इधर 5, इधर 2 तो इधर 4, इधर 3 तो इधर 3, अब इधर वापिस आप 4 लोगे तो उधर 2 बचेंगे, सेम आ जाएगा, इधर 1 तो इधर 5, ये लास्ट केस है। पर इस केस में देखना गलती कहां से होती है, इसके बताना कितने बनेंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है 15, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है 15 और एक बच्चा दे रहा है 14। ना बेटा, ये आप तुम गलत बता रहे हो। हाँ हाँ, इसमें जो ट्रिक है यही सिखाने के लिए मैंने किया, यहाँ पर 5 स्टार लगा लीजिएगा। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है जैसे मैडम ने इधर 1 लिया तो इधर 8 बन गए 5 के, इधर 2 लिया तो इधर 4 के कितने बन गए 8 बन गए। लेकिन बेटा यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने इधर 3 लिए और इधर 3 लिए तो आप ऐसे नहीं कर सकते, 3 से मैडम आपने कहा था 2 बनेंगे तो हमने इधर भी 2 बनाए, इधर भी 2 बनाए तो हमने 4 बना दिए, गलत है। इधर भी 2 बनाए और इधर भी 2 बनाए 4 नहीं। इस केस में देखो अगर एक तरफ 2 लगा दिए तो फिर 1 ही बनेगा। देखो इसको बना के देखो, अगर मैंने एक बार इधर एन प्रोपाइल लगा दिया, अगर इधर क्या लगा दिया N प्रोपाइल, तो क्या इधर भी आप N प्रोपाइल लगा सकते हो? अरे क्या इधर भी आप N प्रोपाइल लगा सकते हो? अगर मैंने इधर N प्रोपाइल लगाते हुए, अगर मैंने इधर N प्रोपाइल लगाते हुए इधर क्या लगा दूं, इधर N प्रोपाइल लगाया तो इधर क्या लगाया N प्रोपाइल, मैंने इधर N लगाते हुए क्या मैं इधर आइसो लगा दूं? अरे इधर N आइसो, एक बार दोनों तरफ N N, एक बार इधर N तो इधर आइसो, क्या एक बार मैं दोनों तरफ आइसो आइसो लगा दूं? क्या मैं एक बार दोनों तरफ क्या लगा दूं, इधर भी क्या लगा दूं आइसो और इधर भी क्या लगा दूं, अरे इधर भी क्या लगा दूं आइसो। वापिस देखिएगा, आप ऐसा कतई मत करना, वो वाला केस सेम हो जाएगा, इधर N लगाया तो इधर भी N, इधर आइसो लगाया तो इधर भी आइसो, इधर N लगाया तो इधर आइसो, फिर ऐसा मत करना ना इधर आइसो इधर N, वो सेम रिपीट हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देना, इसलिए 4 नहीं होंगे इसलिए 3 ही होंगे। दोनों तरफ N N, दोनों तरफ आइसो आइसो, एक तरफ N दूसरी तरफ आइसो, या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो N आइसो।
इस केस में 5 स्टार लगा लेना। बच्चे सोचते हैं 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है और ये 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो इसके 2-2 लगाने की कोशिश करते हैं कि इसके भी 2 और इसके भी 2, और इस केस में वो आते हुए गलत कर देते हैं। यहां पर 3 ही बनेंगे, दोनों तरफ एन लगाओ, दोनों तरफ आइसो लगाओ और एन आइसो, एन एन आइसो आइसो एन आइसो। अब एन आइसो को 2 बार रिपीट मत कर देना, क्योंकि दोनों की तरफ लगाने का तरीका क्या है, सेम है। यहां अक्सर बच्चे 4 बना के आते हैं जबकि आंसर कितना होता है 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 और 4, अरे कितने हो जाएंगे 8 इधर हो गए 4 इधर, 8 और 4 12 13 14 15, टोटल 2 डिग्री एम आइन कितने हो जाएंगे, जिसने 15 आंसर दिया उसका सही है इसका मतलब। हाँ, टोटल टू डिग्री एम आइन कितनी हो जाएंगी 15, 8 यहां से 4 यहां से और 3 यहां से, 4 3 7 8 7 15, हाँ 2 डिग्री 15। अब 3 डिग्री बताइएगा जरा, इस केस में टोटल पॉसिबल 3 डिग्री एम आइन बताइएगा, छाप लिया होगा, इस केस में टोटल पॉसिबल 3 डिग्री एम आइन बताइएगा, इस केस में टोटल पॉसिबल 3 डिग्री एम आइन बताइएगा बेटा, इस केस में टोटल पॉसिबल, हाँ 7 बता रहे हैं कई बच्चे, देखिएगा जरा। अगर अपन 3 डिग्री बनाएंगे तो मैंने एक बार स्मॉलेस्ट कार्बन इधर 1 लिया, तो इधर भी मैंने कितना ले लिया 1, जब 1 और 1 लिया तो बच कितने गए बेटा 4 C4H9, तो C4H9 से टोटल एल्काइल ग्रुप कितने होते हैं 4। अभी लगाने का तरीका सिखाया, इधर एक फिक्स कर दिया तो उधर 4 बचे, 4 से कितने बनेंगे 4, फिर मैंने एक तरफ को तो 1 2 कर दिया C2H5, इस नीचे वाले को मैंने 1 ही रखा तो इधर कितने बच गए बेटा, इधर कितने बच गए 3 C3H7, इस C3H7 के एल्काइल ग्रुप कितने होते हैं 2, तो यहां से कितने बन जाएंगे 2। एक बार क्या किया मैंने, इसको 2 किया तो मैं इसको भी 2 कर दूं, तो इसको ये भी कितना रह जाएगा 2, तो इस केस में पूरा कितना बनेगा 1 ही बनेगा। क्या अब मैं इसको 3 करूं तो फिर इसको 2 करना पड़ेगा और इसको 1, ये सेम रिपीट हो जाएगा 3 2 1, इसको 4 करूं तो फिर 1 1 करना पड़ेगा, बाकी सेम ही रिपीट होगा। अरे बाकी जो भी पेयर आप बनाने की कोशिश करोगे वो क्या होगा, सेम होगा, तो 4 2 6 1 7, ये क्वेश्चन जेई का है बेटा। टोटल पॉसिबल 3 डिग्री एम आइन जो होंगी वो कितनी होंगी 7, टोटल पॉसिबल 3 डिग्री एम आइन जो होंगी वो कितनी होंगी 7, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, टोटल पॉसिबल 3 डिग्री एम आइन कितनी होंगी 7। अरे क्या यहां तक कर लोगे, अरे आई बात समझ में, अरे आई क्या बात समझ में, क्या यहां तक कर लोगे बेटा, अरे यहां तक डन है, यहां तक किसी को डाउट। अपन ने एल्के ने माइन का फॉर्मूला सीखा CnH2n+3n, अपन ने एल्कोहल का फॉर्मूला सीखा CnH2n+2O, और इसके अलावा अपन ने एल्काइल ग्रुप बनाए, अरे यहां तक डन है सबको, अरे यहां तक डन है क्या, नेक्स्ट चलूं। ये क्वेश्चन जेई का है भाई, 2 डिग्री और 3 डिग्री, खासकर 2 डिग्री वाला याद रखना 15 और 3 डिग्री वाला कितना हो जाएगा 7, और 1 डिग्री आपको अभी बता दिए कितने हो जाते हैं 17। नेक्स्ट चलूं, अरे नेक्स्ट चलूं क्या, नेक्स्ट देखेगा जरा, अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखेगा जरा, वो कह रहा है कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो कह रहा है कि आपके पास एक बस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अपन कंप्लीट करते हुए एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फिर सीधा अपन किस पे चलेंगे बेटा, मेटामेरिज्म पे। अपन ने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, अपन ने पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा, अपन ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ा, ये फंक्शनल ग्रुप का लास्ट क्वेश्चन करते हुए अपन सीधा कहां चलेंगे बेटा, सीधा कहां चलेंगे मेटामेरिज्म पे, और मेटामेरिज्म करने के बाद में अपन एक आइसोमेरिज्म एक बीच में पॉइंट पढ़ेंगे जो काम में आता है, जिससे अपन चारों आइसोमेरिज्म को एक साथ लेते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। मेटामेरिज्म पढ़ने के बाद डिग्री ओपन सैचुरेशन पढ़ेंगे, तो एक बार देखिएगा जरा वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O2, वो कह रहा है आपके पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O2, वो कह रहा है इस मोलिकुलर फॉर्मूले के टोटल पॉसिबल आपको एस्टर बनाने हैं, कोई मुझे बताएगा टोटल पॉसिबल आपको एस्टर बनाने हैं इसके, क्या कोई मुझे बताएगा, अगर आपके पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O2 तो इसके पॉसिबल एस्टर बताओगे, आपके पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O2, इसके टोटल पॉसिबल एस्टर बताओ बेटा, बताओ बेटा,
अर्चना ने दो बताया, कोई और बताएगा? आपके पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O2। हाँ, ऑलमोस्ट बच्चों के आंसर आ रहे हैं। C3H6O2 के टोटल पॉसिबल एस्टर जो है वो कितने होंगे? दो। हाँ, देखिएगा जरा, क्या मुझे एक बात बताइएगा, एस्टर का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ओ होता है क्या? अगर मैं स्मॉलेस्ट, अगर इधर मैं एच लगा दूं तो इधर कितने कार्बन बच जाएंगे? दो C2H5। देखो मोलिकुलर फॉर्मूले में दो ऑक्सीजन है, कार्बन कितने? एक, दो, तीन। हाइड्रोजन कितने? छह, पांच और एक छह। क्या मैं एक बार इधर कार्बन ले लूं CH3C डबल बॉन्ड O, तो इस एल्काइल ग्रुप पे कितना लगा सकते हो? एक ही लगा सकते हो। दो को लगाने का तरीका एक है, एक को लगाने का तरीका कितना? एक। क्या इसके अलावा आप इधर एक लेते हुए इधर दो ले लिए, इधर एक लेते हुए इधर एक ले लिया, क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है? इधर दो लेते हुए इधर एक लेते तो वो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो आप इस केस में एसिड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। इस केस में टोटल पॉसिबल एस्टर कितने हो जाते हैं? दो। वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने एक बताया जो कि गलत है, टोटल पॉसिबल दो। क्या आप मुझे इन एस्टर का आईयूपीएसी नेम बता सकते हो? अरे क्या आप मुझे इन एस्टर का आईयूपीएसी नेम बता सकते हो? अरे आईयूपीएसी नेम बताओगे? देखो ये हो जाएगा इथाइल मेथेनोएट और ये हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट। ये हो जाएगा इथाइल मेथेनोएट, ये हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। अरे कर लोगे? नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे चलते हैं बेटा। ये थी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यदि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाता है उस केस में आप प्रायोरिटी देते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। इस केस में सीआई चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को क्या माना जाता है बेटा? नेगलेक्ट माना जाता है। हाँ सही लिखा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा मेटामेरिज्म पे। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे चलते हैं अपन, मेटामेरिज्म पे। अब आपने देखा मेटामेरिज्म बोले तो मध्यावयवता पे, मेटामेरिज्म बोले तो मध्यावयवता पे चलते हैं। मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप बताया था आपको, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म। अब अपन चौथे पार्ट पे चलते हैं जिसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। सबसे पहले आपको मेटामेरिज्म की डेफिनेशन पे जाने से पहले मेटामेरिज्म के लिए कंडीशन याद होनी चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये तो पता ही है कि जब भी कोई आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट आ गया, अभी आपने पढ़ा कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट आ गया तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी मेटामेरिज्म के केस में नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। वो क्या कह रहा है कि मेटामेरिज्म व्हेन टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए एंड नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नेचर अगर चेंज हो गया, ओके, फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसलिए नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? वो कहता है कि मेटामेरिज्म के केस में कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप का, ये मेटामेरिज्म की कंडीशन है भाई, सॉरी ये मेटामेरिज्म की क्या है? कंडीशन है। पहली कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दूसरी नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम, तीसरी वो कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप सेम लेते हुए आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा लेना है? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यानी आपके पास क्या होना चाहिए? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यानी आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। आपके पास फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए? पॉलीवेलेंट। यानी वो कहता है कि आपके पास बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह का होना जरूरी है। वो कहता है कि आपके पास बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह का होना जरूरी है। वो आपको कहता है कि आपके पास बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह का होना जरूरी है, आपके पास एक संयोजी क्रियात्मक समूह नहीं होना चाहिए। कभी भी एक संयोजी क्रियात्मक समूह के केस में, कभी भी एक संयोजी क्रियात्मक समूह के केस में मेटामेरिज्म नहीं हो सकती बहुसंयोजी। तो मेटामेरिज्म की कंडीशन पड़ी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम लेते हुए आपके पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब वो कहता है कि अगर आपके, आप पहले ये बताओ तो सही कि मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो एक बार इसको रब कर दूं, छाप लिया होगा।
अब अपन बात करते हैं कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। अब अपन बात करते हैं कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा जरा वो क्या कह रहा है। अगर आपके पास एक साइड आ गया, मैं अभी पॉलीवेलेंट और मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब बता रही हूं, मैंने इधर लिखा मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, एक संयोजी क्रियात्मक समूह है, और इधर अपन पढ़ेंगे बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह। इधर अपन पढ़ेंगे बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, यानी इधर अपन पढ़ रहे हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इधर अपन पढ़ रहे हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, और इधर अपन पढ़ रहे हैं एक संयोजी क्रियात्मक समूह बोले तो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, एक संयोजी क्रियात्मक समूह बोले तो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। देखिएगा जरा, अगर बेटा किसी की एक ही वैलेंसी हो जो एक ही साइड से अटैच हो सकता है वो क्या होता है, एक संयोजी। अगर पेरेंट चेन से कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट चेन से कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है तो वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। और अगर पेरेंट चेन से मोर देन वन साइड से कनेक्ट हो सकता है, यदि पेरेंट चेन से कनेक्ट होने के लिए दो एक से ज्यादा साइड है, एक से ज्यादा साइड से पेरेंट चेन से कनेक्ट हो सकता है तो उसे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, और यदि एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर आपने बात की हैलोजन एक सब्स्टिट्यूएंट है, यानी हैलोजन की बात की, हैलोजन पेरेंट चेन से कनेक्ट होने का एक ही तरीका है, इसलिए हैलोजन एक क्या है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यदि आप एल्कोहल की बात करते हो तो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के केस में मेटामेरिज्म नहीं हो सकती, एल्कोहल एक मोनोवेलेंट, एल्कोहल पेरेंट चेन से एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए एल्कोहल भी एक क्या है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट मैंने कहा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है पेरेंट चेन से एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए ये भी एक क्या है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट मैंने कहा अगर आपके पास सल्फोनिक एसिड आ जाए, सल्फोनिक एसिड जो है ये पेरेंट चेन से एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। सल्फोनिक एसिड के बाद में एनहाइड्राइड आएगा, एस्टर आएगा, दोनों पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद में आता है यदि आपके पास 1° amide आ जाए, यदि आपके पास 1° amide आ जाए, एमाइड की डिग्री 1° आ जाए, तो ये एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं हो के मोनोवेलेंट है, क्योंकि ये पेरेंट चेन से एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है। यदि आपके पास आ जाए सी डबल बॉन्ड ओ एक्स एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड भी एक क्या है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। एसिड हैलाइड भी क्या है, एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर एसिड हैलाइड के बाद में अगर आपके पास आ जाए बेटा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, एक साथ लिख देती हूँ, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, दोनों जो है ये भी एक क्या है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड बोथ आर मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रही हूं ताकि यहां पर स्पेस कम रह गया। मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इसके अलावा अगर आप मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे, तो अगर आपके पास एल्डिहाइड आ जाए CHO, एल्डिहाइड भी कॉर्नर फंक्शनल ग्रुप होता है, एक ही साइड से पेरेंट चेन से कनेक्ट हो सकता है, तो एल्डिहाइड भी क्या है, एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। कीटोन, उसके बाद में अल्कोहल लिख दिया। इसके अलावा थायो अल्कोहल भी एक क्या है, थायो अल्कोहल जो है वो भी एक क्या है बेटा, थायो अल्कोहल जो है वो भी एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। और आपके पास 1° amine जो है वो भी एक क्या है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये सारे के सारे मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये पेरेंट चेन से एक ही साइड से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारे के सारे मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये पेरेंट चेन से एक ही साइड से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं बेटा। सारे के सारे मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये पेरेंट चेन से एक ही साइड से कनेक्ट हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पॉलीवेलेंट। एक नंबर फंक्शनल ग्रुप लेते हुए स्टार्ट कर दो। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को मोनोवेलेंट में लिखा है, सल्फोनिक एसिड मोनोवेलेंट है, लेकिन बेटा एसिड एनहाइड्राइड जो है वो एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड। और पॉलीवेलेंट में भी एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवेलेंट में भी एक क्या है, एक द्विसंयोजी डाइवेलेंट, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है, डाइवेलेंट क्रियात्मक समूह। देखो ये पेरेंट चेन से एनहाइड्राइड, इधर भी वैलेंसी फ्री है, और एनहाइड्राइड की इधर भी वैलेंसी फ्री है, यानी पेरेंट चेन से दो साइड से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए ये क्या है,
पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप बात करोगे नेक्स्ट, तो अगर आपके पास ईस्टर आ जाए ओ, तो ईस्टर की वैलेंसी ऑक्सीजन पे जुड़ने का तरीका अलग है, कार्बन पे जुड़ने का तरीका क्या है अलग है, तो एस्टर भी एक क्या है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर के बाद में क्या आता है, एस्टर के बाद में आता है एसिड हैलाइड जो मोनोवेलेंट है, एमाइड क्या है मोनोवेलेंट है, साइनाइड क्या है मोनोवेलेंट है, आइसोसाइनाइड मोनोवेलेंट है, एल्डिहाइड क्या है मोनोवेलेंट है। तो फिर अगर आपके पास कीटोन आ जाए, कीटोन भी एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, पेरेंट चेन से दो साइड से क्या हो सकता है कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद में अगर आपके पास एल्कोहल आ जाए, थायो एल्कोहल आ जाए, लेकिन अगर आपके पास 1 डिग्री एमाइन है, अगर आपके पास 1 डिग्री एमाइन है तो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर आपके पास आ जाए सेकेंडरी एमाइन एक डाइवेलेंट बोले तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। और अगर आपके पास आ जाए टर्शियरी एमाइन, अगर आपके पास आ जाए टर्शियरी एमाइन बोले तो अगर आपके पास आ जाए टर्शियरी एमाइन एक ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यदि 2 से जुड़ता है तो पॉलीवेलेंट में डाइवेलेंट, और अगर 3 से जुड़ सकता है तो पॉलीवेलेंट में ट्राइवेलेंट, 4 से टेट्रावेलेंट, ये ऐसे पॉलीवेलेंट चलता रहता है, लेकिन वो डाई ट्राई टेट्रा कभी नहीं पूछता है। यदि मोर देन वन साइड से कनेक्ट हो सकता है तो इसे क्या बोला जाता है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो टर्शियरी एमाइन एक क्या है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा देखना अगर आपके पास ईथर आ जाए, एल्कोहल एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है, ईथर मोर देन वन साइड से कनेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास थायो ईथर आ जाए, ईथर आ जाए या फिर आपके पास थायो ईथर आ जाए, ये सारे के सारे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अपन ने इधर पढ़ा कि 1 डिग्री एमाइड एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर आपके पास बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये सेकेंडरी एमाइड है, और सी डबल बॉन्ड ओ एन, 1 डिग्री एमाइड को छोड़ दो, सेकेंडरी एमाइड और टर्शियरी एमाइड बोथ आर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी जो मोर देन वन साइड से जुड़ सकता है वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और वो केवल एक ही साइड से जुड़ सकता है वो क्या है मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात समझ आई? अरे बात समझ आई क्या आपको? मेटामेरिज्म की इतनी बात समझ आई क्या आपको? मेटामेरिज्म की इतनी बात समझ में आई कि मेटामेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मेटामेरिज्म में नेचर और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम है तो उस ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप, उस केस में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो पहले अपन ने सीखा कि मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता क्या। मेटामेरिज्म की डेफिनेशन पे जाने से पहले अपन ने ये सीख लिया कि मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बात समझ आई क्या? अरे यहां तक डन है? एक बार इसको देखो सारे को, फिर अपन 30 सेकंड बाद कंटिन्यू करते हैं। देखो 30 सेकंड तक इसको। ओके बेटा, अब देखिएगा जरा, रैप कर दूं। अब देखिएगा जरा, अब अपन बात करते हैं मेटामेरिज्म की डेफिनेशन की। देखिएगा जरा, अब मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिएगा जरा वो क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है आपको कि अगर आपके पास, अब मेटामेरिज्म की डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा, अब मेटामेरिज्म की डेफिनेशन की बात करता है। वो कहता है कि अगर आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड आपके पास नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, और आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कहता है कि मेटामेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, ध्यान से सुनना, मेटामेरिज्म अराइजेस ड्यू टू different nature of alkyl या aryl groups present on
पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। सुनिएगा जरा वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेटामेरिज्म के केस में अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, आपके पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब वो कहता है कि मेटामेरिज्म कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। वो कहता है कि मेटामेरिज्म अराइजेस टू डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। वो कहता है कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह पर उपस्थित, हिंदी सुन लेना, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह पर उपस्थित एल्काइल या एराइल ग्रुप की प्रकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। वो कहता है कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह पर उपस्थित एल्काइल या एराइल ग्रुप की प्रकृति जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये सारी कंडीशन है, तब मेटामेरिज्म प्रोड्यूस्ड होगी। मैंने एक मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा, मैं इधर लिख रही हूँ CH2CH3, मैंने इधर लिखा CH2CH3, ठीक है, फिर मैंने दूसरा लिखा, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, इधर मैंने लिखा CH2CH2CH3 और इधर मैंने लिख दिया CH3। आपके पास दो कंपाउंड है ए और बी, सबसे पहले आप मेटामेरिज्म, एक आइसोमेरिज्म का टाइप है, सबसे पहले आप यहां देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हो, सबसे पहले ये दो कंपाउंड है, सबसे पहले इन दोनों कंपाउंड का देखो मेटामेरिज्म प्रोड्यूस्ड होने के लिए, मेटामेरिज्म एक आइसोमेरिज्म का टाइप है, तो सबसे पहले यहां पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट है, क्या यहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, देखो 1 2 3 4, 3 2 5 8 और 10, C4H10, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है बेटा जी, सेम है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है इसका मतलब दोनों में आइसोमेरिज्म हो सकती है। अब देखो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब देखो क्या नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाँ यहां भी नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहां भी पहले कंपाउंड में भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, इथर है, और दूसरे कंपाउंड में भी फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा जी, इथर, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, पहले कंपाउंड में भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, इथर है, दूसरे में भी क्या है फंक्शनल ग्रुप, इथर है, क्या दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब वो कहता है कि क्या नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो क्या जो फंक्शनल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो पॉलीवेलेंट है, बिल्कुल, ईथर 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 एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवेलेंट में भी कैसा है यार, डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, क्या एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो वो कहता है कि अब मेटामेरिज्म की डेफिनेशन लगाओ, मेटामेरिज्म अराइजेस टू डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पे प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप, देखो इधर एथाइल जुड़ा हुआ है, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, एथाइल, पर नीचे वाले पे देखो एक तरफ एन प्रोपाइल जुड़ा हुआ है और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पे प्रेजेंट जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है, देखो इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, क्या दूसरे ऑक्सीजन पे दूसरे इथर पे एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है, अरे ये डाई एथाइल इथर है, ये क्या है, मिथाइल एन प्रोपाइल इथर है, क्या एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट आ गया, तो बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, अरे बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, क्या एक दूसरे के मध्यावयवी है, अरे क्या एक दूसरे के मध्यावयवी है, क्या मेटामेरिज्म की डेफिनेशन, मेटामेरिज्म कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, क्या ये वाली बात समझ में आई, क्या मैंने कहा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, और मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो पॉलीवेलेंट होना चाहिए, तो पहले मैंने डिफरेंस बताया कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है और उसके सारे एग्जाम्पल लिए जितने पॉसिबल हो सकते, और फिर मैंने बताया कि अगर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट है तो क्या हो सकता है, क्या मेरी बात समझ आई क्या, अरे क्या मेरी बात समझ आई क्या, अब सुनिएगा जरा, मेटामेरिज्म के केस में दो कंडीशन याद रखना, मेटामेरिज्म के केस में दो नोट है इंपॉर्टेंट, उनको याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट नोट वो क्या कहता है, वो कहता है कि इन केस ऑफ मेटामेरिज्म, इन केस ऑफ मेटामेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म आर नेग्लेक्टेड, वो कहता है कि मध्यावयवता की उपस्थिति में, मध्यावयवता की स्थिति में
स्थिति समावेता और श्रृंखला समावेता को नगण्य माना जाता है। देखो हो सकती है यहां पर आपको लगेगा तीन की चेन है, यहां पर लगेगा दो की चेन है, तो चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकती है नहीं। अगर मेटामेरिज्म है तो फिर आप पीआई और सीआई को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। पहला नोट। दूसरा नोट कहता है इन केस ऑफ मेटामेरिज्म नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ मल्टीपल बोन, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम। यानी क्रियात्मक समूह की प्रकृति, बहुबंध की प्रकृति और प्रतिस्थापी की प्रकृति भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये अपन ने बात की मेटामेरिज्म कैसे प्रोड्यूस्ड होती है और मेटामेरिज्म के केस में अपने को क्या ध्यान रखना है। ये अपन ने मेटामेरिज्म की डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिया। अब बहुत सारे एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या यहां तक डेफिनेशन समझ में आए कि मेटामर्स होते क्या है, मेटामेरिज्म होती क्या है? अरे यहां तक समझ में आई क्या, कैसे प्रोड्यूस्ड होती है? याद रखना बेटा, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गया तो फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी, फिर आप कुछ ही करो, फिर मेटामेरिज्म सीआई पीआई सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है तो एफजीआई। तो मैंने मेटामेरिज्म में कहा है कि फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या है, सेम है। अब मैं और एग्जांपल लूं मेटामेरिज्म के। अब मेटामेरिज्म के अपन दूसरे एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको रब कर रही हूं। अब अपन एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखिएगा जरा, अगर आपके पास आ जाए इधर है CH2CH3 C डबल बॉन्ड O O और मैंने इधर लगा दिया फिनाइल। नेक्स्ट देखिएगा जरा, आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O। सबसे पहले आपको मोलिकुलर फॉर्मूला देखना है, फिर आपको नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखना है, और फिर देखना है कि एल्काइल और एराइल ग्रुप का नेचर सेम है कि डिफरेंट है। पहले ये देखो कि क्या इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अरे क्या इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? हाँ देखो, यहां पर दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला आप चेक कर लेना, दोनों कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो बेटा सेम है। फिर देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने के बाद में इन दोनों में नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? अगर मोलिकुलर फॉर्मूला देखा तो अब देखो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखो, यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा जी, एस्टर। अरे क्या है, एस्टर। और यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा जी, एस्टर है। क्या नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है? इधर भी एस्टर है, इधर भी एस्टर है, यानी नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी क्या आ गया, सेम। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, यहां तक पहुंच के। अब देखो कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो पॉलीवेलेंट है, बिल्कुल। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो मोर देन वन साइड से कनेक्ट हो सकता है, इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या हो सकता है, पॉलीवेलेंट। अब तो बात ही नहीं है, बात ही खत्म। कि अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के जुड़े हुए एल्काइल और एराइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट आ जाता है तो वो तो मेटामर्स ऑफ ईच अदर। देखो यहां पर ऑक्सीजन से जो एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फिनाइल है, यहां पर जो सी डबल बॉन्ड ओ से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्काइल वो इथाइल है। देखो मैं यहां पर ऑक्सीजन से इथाइल जुड़ गया और वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ से फिनाइल जुड़ गया। क्या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पे जुड़े हुए एल्काइल और एराइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट आ गया? इधर ऑक्सीजन से एराइल जुड़ा हुआ है, फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो इधर सी डबल बॉन्ड ओ से फिनाइल जुड़ा हुआ है। उधर सी डबल बॉन्ड ओ से इथाइल जुड़ा हुआ है, तो इधर ऑक्सीजन से इथाइल जुड़ा है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पे जुड़े हुए पॉलीवेलेंट, मैंने क्या कहा, मेटामेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, और सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है इन केस ऑफ मेटामेरिज्म सीआई एंड पीआई आर नेग्लेक्टेड, एंड इन केस ऑफ मेटामेरिज्म या इन पेयर ऑफ मेटामेरिज्म नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट रिमेन सेम आर है, तो बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये दोनों आपस में मेटामर है? अरे क्या यहां तक बात समझ आई क्या? अरे डन है, नेक्स्ट चलूं? अरे चलूं क्या आगे? क्या यहां तक डन है? ये थी बेटा मेटामेरिज्म, ये थी मेटामेरिज्म। अभी मेटामेरिज्म के कम से कम अपन 20-30 एग्जांपल और करेंगे, और फिर चारों आइसोमेरिज्म के एक साथ अपन बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेटामेरिज्म के बहुत सारे एग्जांपल अपन और करेंगे। ये मैंने केवल समझाया कि मेटामेरिज्म प्रोड्यूस कैसे होती है, बाकी की चर्चाएं बेटा अपन कल जारी रखेंगे। ओके बेटा, अरे समझ आया क्या यहां तक, बाकी कल करते हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय। बाकी मंडे को कंटिन्यू करेंगे, कल शायद आपका कोई लाइव है, रूबरू करवाएंगे वो सर का, कोई मोटिवेशनल लाइव है। अब अपन मंडे को मिलेंगे, अब बाकी की क्लास मंडे को कंटिन्यू रहेगी। ओके बेटा, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।